क ख ग लिखते लिखते बदल गई परिभाषा जिनकी, बदल गई है दुनिया जिनकी, बदल गया है सूरज जिनका। वे हैं स्वयं सिद्धा, वे हैं स्वयं सिद्धा। सिद्ध करे नारी जो खुद को, वो ही है स्वयं सिद्धा। नब्बे बरस जंगे आजादी के और 60 बरस आजाद भारत के। न तो भारत की जंगे आजादी में नारी त्याग व बलिदान किसी से कम था और न भारत की तरक्की में योगदान। आजाद भारत में नारी उत्थान और सम्मान की कोशिश भी कम नहीं हुई। साक्षरता और सबलता की मुहिम ने भी खूब जोर मारा। विकास की नई धारा में नारी भागीदारी भी बढ़ी। इतना ही नहीं, भारतीय नारी ने सफलता के लिए एक नहीं अनेक प्रतिमान भी स्थापित किए। बावजूद इसके आज भी भारत की इस आधी आबादी के समक्ष ढेरों सवाल मुंह बाए खड़े हैं, तो क्यों? हे भगवान, इस बार भी लड़की किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? लड़की हुई कर्म फूट गए, लड़की हुई कर्म फूट गए, लड़की हुई कर्म फूट गए। हे चले चले खड़े हरा समुंदर गोपी चंदन, बोल मेरी मछली कितना पानी, कितना पानी। कोई बताएगा इन्हें कि क्या होती है एक औरत की साथ? सारा दिन घर पर क्या करती रहती हो, आलसी कहीं की? क्या बात करते हो, दिखाई नहीं देता, कमर तोड़ मेहनत करती हूँ। ये तो होता नहीं कि काम में हाथ बटा दूँ, उल्टा कहते हो करती क्या है, बकवास करती है। क्यों पिटती है औरत आज भी बेबात? धीरे धीरे मैं पली बड़ी, सहमी सहमी सी डरी डरी, जब देखा माँ को पिटते हुए, जब अपमानित हमारी संस्कृति में कहा गया है कि लड़कियों को बचपन में पिता के घर युवावस्था में पति के घर उनके अधीन रहना चाहिए उनका अपना। क्यों कहलाती है औरत आज भी अधीन किसी के? बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी कमला। बेटी कितने पढ़ रही हो? बीए पास कर रखी है। और क्या क्या सीखा है? सिलाई कढ़ाई और टाइप भी जानती हूँ। बेटी चल के दिखा। क्यों लगती है नुमाइश लड़की? उड़ के दिखा। क्यों मांगा जाता है इनसे दहेज? क्या दोगे? मेरी लड़की बीए पास है। क्या दोगे? मेरी लड़की पढ़ाई बुनाई जानती है। क्या दोगे? मेरी लड़की टाइप जानती है। नहीं मिलता जवाब इन्हें आज तक अपने सवाल का। चेहरा उसका मुरझाया, जब आंखें उसकी भर आई, तब बहन के आंखों में देखा कि क्या है मेरी जात, क्या है मेरी जात, क्या है मेरी जात। इन्हें इनके सवालों का जवाब मिला न मिला? ऐसा क्यों? किसी ने नहीं पूछा, ऐसा क्यों? आखिर क्यों नहीं पूछा? लेकिन इस छोटी सी नाटिका
और शिक्षा की सीख ने कई एक मन जगा दिए। नन्ही नीलम, सामाजिक स्वाति, प्रेरक सरिता, कल्पनाशील सुनीता और संकल्पित सुषमा। मैं यह चाहती हूँ कि मैं जब जितना जितना मैं जीऊं तब तक पढ़ती रहूं, और पढ़ने के बाद मैं, मतलब मेरी इच्छा तो है कि मैं कम से कम कुछ बड़े लेवल तक पहुंचूं अपने बलबूते पे। अगर उस लड़की को पढ़ाएं, स्कूल जाएं, तो लड़कियों को थोड़ी समझ हो, वो अपने पैरों पर कुछ कमा सके, तो वो गरीबी अपने आप नहीं चली जाएगी। हर लड़की को अपने एक कुछ इरादे रखने चाहिए, उसके कुछ सपने होने चाहिए। उसके सपना सिर्फ, लड़कियों का सपना एक ही नहीं है कि वे उसे शादी करके ससुराल जाना है, यही नहीं है। उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। अब शादी के बाद तो फिर उसके उसके हस्बैंड है जो, उसी के नाम से उसे सब पहचानेंगे। उसे का एक सपना होना चाहिए कि उसका नाम हो, लोग उसे उसके नाम से जाने, ना कि उसके हस्बैंड के नाम से। मैं चाहती हूँ कि हमारी तरह सब लड़कियाँ समाज में हो रही बुराइयों को जड़ से उखाड़ फाकें। हम ये चाहते हैं कि समाज एकदम तो बदलता नहीं है, धीरे धीरे ही बदलता है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि कोई बुराई हो रही है, उसको अनदेखा ना करें, उस बुराई को रोकें। कहते हैं कि क्रांति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इन्होंने भी किसी की प्रतीक्षा नहीं की। इन्होंने कभी बुराई को अनदेखा नहीं किया। आज इनके शब्द इनका कर्म बन गए हैं। इनके कदम एक हैं। इनकी मंजिल एक। ये जान गई हैं कि आज छोटी उम्र में शादी एक अभिशाप है। क्यों हो ऐसा? लड़की का तो हुआ ना कसूर? माँ बाप की वजह होगा, थोड़ी सी बच्चे ने भी वो करने में भी करने में भी, जब तो उन पर ध्यान नहीं रखते, जब तो उन्हें पढ़ाने पढ़ाते नहीं ना लिखाते उनको, और फिर तो बिगड़ेंगी तो है ही नहीं। चाहिए तो पढ़ाने, फिर हालत तो देखो आप, फर्क हो ना, बहुत फर्क हो। हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम तो नहीं बिगड़े आज तक। तो मैंने फैसला कर लिया था, मैं लड़की को मतलब बाहर दूसरे स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैंने फिर भी खुद पर भेजनी पड़ी मेरी लड़की। इन्होंने छेड़ दी है जंग समझ और ना समझी के बीच। अली पर पढ़ने के बाद मैंने 10वीं करी, अली पर उसके बाद मैं अली पर पढ़ने जा रही हूं, बताओ मैं कितनी बिगड़ गई। गांव गढ़ सरनोई, जिला पानीपत, हरियाणा। आज यहां एक शादी है, बारात आएगी। संदेह है कि लड़की नाबालिग है। राम सिंह की एक संतान। संकल्प है कि संदेह दूर हुए बगैर शादी नहीं हो सकती। इस सत्य की लड़ाई में इनके साथ गढ़ सरनोई का कोई नहीं, सिवाय सतत शिक्षा अभियान के एक नोडल प्रेरक सुलेख के। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है जितना सरकार देती है। एक चीज को 10 बार बना देंगे। महिला ग्राम प्रधान भी नहीं। उजागर हुआ एक और सच, महिला ग्राम प्रधान सिर्फ नाम की, जो मदद करना तो दूर, सामने ही ना आ सके। पति महोदय ने भी की सिर्फ सूखी बहस, क्योंकि इनमें नहीं है जज्बा कुछ कर गुजरने का। अन्याय और अनैतिकता के खिलाफ आवाज की हिम्मत कोई करे न करे, नन्ही सी उम्र की ये लड़कियां तो संकल्पित हैं। संदेह दूर हुए बगैर शादी नहीं होगी। खटखटाया एक और दरवाजा। राजीव रंजन, जिला कलेक्टर पानीपत।
इनकी मांग और कलेक्टर के निर्देश पर गढ़ सरनोई में पहुंचा अमला सरकार का। तहसीलदार, डॉक्टर, महिला पुलिस आदि आदि, गांव भौचक, सन्न। अब क्या होगा? जांच तो होगी ही। उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी छोटी लड़कियां बड़ों का बनाया चक्रव्यूह बिगाड़ देंगी। ये कोई नाटक नहीं, ये एक सच्चा घटनाक्रम है। सच्ची लड़ाई नारी उत्थान की। इनकी जंग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ है ऐसी कुनीति व कुरीति के जो आज समय के सांचे पर खरी नहीं, जिन्हें बदलना ही होगा। इनका संकल्प पक्का है। ये लड़कियां न तो किसी स्वयंसेवी संगठन की कार्यकर्त्री हैं और न किसी राजनैतिक दल से इनका ताल्लुक है। ये हैं हरियाणा के एक साधारण से गांव की आम लड़कियां। गांव हरिसिंहपुरा, जिला करनाल, एक आम गांव। आम ग्रामीण लड़कियों की भांति सरिता सिलाई में रुचि रखती है, पढ़ती लिखती है, गाय भैंस को चारा पानी देती है। नीलम घर से दूर गोबर फेंक आती है। स्वाति रोटी बनाती है, बर्तन मांझती है। सचमुच ये आम लड़कियों जैसी ही है, लेकिन इनमें है खास तो बस ये कि ये खुद आगे बढ़ना चाहती हैं, दूसरों को भी अंगूठा छाप नहीं देखना चाहती। बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो मतलब कि पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति और माहौल के अनुसार वो नहीं पढ़ सकी। अगर इस टाइम में भी बहुत सारी ऐसी एक भी साक्षरता है जैसे कि उससे बहुत सारी औरतें पढ़ी हैं, अब उन्हें पढ़ने का मौका मिला तो वे पढ़ लिए। तो ये नहीं है कि भाई पढ़ना नहीं चाहते, बहुत से ऐसे होते हैं कि पढ़ चाहते हुए भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, कुछ भी हम तुम ये जागरूक है। इनमें है सीख गलत और सही में फर्क करने की। ये भी गलत है, गरीब है तो, लेकिन लड़कियों की शादी छोटी उम्र में नहीं करनी चाहिए। ये माँ बाप को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, लेकिन गरीब है जो अनपढ़ आदमी, उनको इतना पता नहीं होता कि छोटी उम्र में शादी करें या नहीं करें, वो छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं लड़कियों की। इनमें है हौसला सच कहने का। लड़का लड़की में भेदभाव है, हमारे गांव में भी है, हमारे घर में भी हो सकता है। यह है कि पहले लड़कियों को भेजा स्कूल नहीं भेजा जाता था, लड़कों से कम समझा था, लेकिन अब यह कि स्कूल भेज रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे लड़कों, लेकिन जो ज्यादा लड़कों को मिले वो लड़कियों को नहीं है। माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटी हो, उसको समान समझना चाहिए और उसको भी समान अधिकार देना चाहिए और उसे भी शिक्षित करना चाहिए। जैसे कि गरीब लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और वो अपने लड़कों को पढ़ा देते हैं, लड़की के लिए पैसा नहीं है और लड़के को पढ़ा देते हैं गरीब लोग, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई लड़की भी तो आगे जाएगी ना, और वो उसके सुख के लिए उसे भी तो अपने पाँव पे खड़ा करना चाहिए। ये कहते हैं कि लड़के तो कमा के लाएंगे, लड़की क्या देंगी, लड़की तो घर जाएंगी और भी धन लेके जाएंगी, ये उनका ये कहना है। लेकिन जिनके पास लड़के नहीं होते उनके तो लड़की सारा होती है ना, लड़कियों को भी बड़ा करना चाहिए, लड़कियों को भी अपने पाँव पे खड़ा करना चाहिए, वो भी आपकी मदद कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, क्या उसने उसे भगवान ने नहीं भेजा? मेरे माता पिता और दादाजी से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? उन्होंने ना मेरी छोटी बहन को मारकर ना नहीं नहीं जब वो मर गई थी ना तो उसके हाथ में सूत का धागा देकर कहा कि ऊपर से भैया को भेज देना। भैया? भैया ही क्यों? भैया क्या ऊपर से आते हैं? प्रश्न प्रासंगिक है। बेटा बेटी में भेद क्यों? क्या बेटी ईश्वर की रचना नहीं? क्या भैया ऊपर से आते हैं?
मैंने भी पानी भरना था, मैं तो भूल ही गई, मुझे भी मार पड़ेगी। हाय, मैंने तो भैंसों को पानी पिलाना था, मुझे बापू मारेंगे। ऐसे ढेरों सवाल, ढेरों संकल्प गांव हरिसिंहपुरा की बेटियों के मन में तूफान जगाते रहते हैं। मुझे भी मार पड़ेगी। आज ये खुद दूसरों को साक्षरता की सीख देती है। उत्थान साक्षरता समूह के साथ जुड़कर जागृति का झंडा बुलंद करती है। आज इनकी बात को गांव गंभीरता से लेता है। कोई इनकी अनदेखी नहीं करता, इनके घर के लोग भी नहीं। मत समझो बेटी बोझ, मैं देख जोरी कैरी। सचमुच छोटी सी उम्र में ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ा हौसला, जिसका पहला कदम था वर्ष 2003 और तारीख 19 अप्रैल, जब 13-14 वर्ष की छोटी सी 5 स्कूली लड़कियों ने दो बेमेल शादियां रोक दी। दे सेव्ड माइनर फ्रॉम द जॉ ऑफ मैरिज। 5 लड़कियों ने 12 साल की उम्र की लड़कियों की शादी रुकवाई। देश के लिए होंगे कुर्बान, मगर नेतागिरी ना ना ना। दोज यंग ब्रेव हार्ट्स एंड देयर टेल्स। नीलम रानी, सरिता त्यागी, सुनीता सिंह दोवा, स्वाति त्यागी और सुषमा अपनी बहादुरी के लिए सम्मानित हुई 5 वीर बालाएं। 19 जनवरी 2004 नई दिल्ली। ये सिर्फ इनके लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात। वर्ष 2006, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार ने भी नवाजा सम्मान। पहले हम संस्कार स्कूल में पढ़ते थे, हम 5 लड़कियां थी। मेरी जात नाटक किया था, कुटिया आए कि हमारे यहाँ पे मंदिर, उसमें और हमारे सर ने वो नाटक देखा, फिर उन्हें सुबह आके प्रेयर में बताया हमारे को, और फिर स्कूल में भी वैसे बताते रहते हैं, और माता पिता भी कहते हैं कि छोटे बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। सर बताते थे हमें कि हमें इन बुराई के खिलाफ मतलब लड़ना चाहिए। हमें उनके जो लड़की थी ना, उसके ताऊ के लड़के ने बताया था हमें, और हमने सर से कहा कि हमने उनकी शादी में जाना है और दूल्हे को देखना है, तो सर ने परमिशन दे दी। देखा तो वहाँ पे शादी का मंडप सजा हुआ था और पंडित जी बैठे हुए थे, और हमने देखा कि दूल्हे तो बहुत बड़े बड़े थे, और जैसे कि लड़कियाँ लड़के तो बिल्कुल ही छोटी थी। उस दिन जब हम जा रहे थे तो सर यही कह रहे थे कि नहीं बेटा, ये तो मतलब रहने दो, गांव की बात है, तुम ऐसा मत करो। फिर हमने सर को कहा कि सर आप भी तो कहते हो कि मतलब इन बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए, और आज आप ही कह रहे हो कि मतलब नहीं रहने दो बेटा। उन्होंने लड़कियों को एक कमरे में अलग से बंद करके रखा हुआ था, और उनको हमने पूछा कि आपकी शादी है, उसने कहा पता नहीं। हमने कहा कि आप शादी का मतलब जानते हो क्या होता है, कि हाँ मिठाई तो बनती है और ऐसे फेरे होते हैं, अपने दूल्हे का नाम जानती है अगर नहीं। फिर इसी से हमें मतलब ये लगा कि ये तो गलत है। हमने उनकी मतलब चुनरी वगैरह उतार दी और दरवाजे में खड़े हो गए हम कि दुल्हन नहीं आएंगी। उनमें से एक आदमी कहने लगा तुम क्या कर सकते हो, तुम तो मक्खी हो। जब हम जाए थे तो हमें डर नहीं था, पता नहीं इस वक्त क्या हुआ था कि हमारा डर गायब हो गया था। हमने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आज तो ये लड़कियाँ नहीं जाएगी। फिर हमने जो दूल्हे थे उनके सेहरे सारे उतार दिए और पंडित को भी भगा दिया। सच्चाई जीत गई, अनैतिकता की हार हुई। 13 वर्षीय सुमन और 9 वर्षीय पुष्पा की 30 से 35 वर्षीय आदमियों से शादी, शादी नहीं लड़कियों की बिक्री की नाजायज कोशिश थी। ये इनका हौसला ही था कि दो मासूम जाने बिकने से बच गईं। हमें उस टाइम इतना जोश था कि पता नहीं, हमें ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल गलत हो रहा है ये, जबकि शादी तो पहले भी होती थी, छोटी उम्र की होती थी, लेकिन 7 के दूल्हे होते थे और बाद में भेजते थे वो, जैसे कि जब वो पूरी उम्र के होते थे ना तब भेजते थे ससुराल, और वो तो 7 ही बेच रहे थे, मतलब बेच रहे थे वो। उसके ताऊ के लड़के ने बताया था कि उन्होंने 40,000 रुपये लिए।
दबंग पंचायतों और दबंग पुरुष प्रधान समाज वाले हरियाणा में छोटे छोटे हाथों द्वारा इतना बड़ा सामाजिक दखल कोई छोटी घटना नहीं है। सम्मान तो बाद में मिले, लेकिन घटना का दिन और आज का दिन हरि सिंहपुरा की इन पांच लड़कियों की जिंदगी का रुख बदल गया, धारणा भी और संकल्प भी। महिलाएं अगर अपने आप सोचे तो सब कुछ हो सकता है। महिलाओं को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी और अपने अधिकार मांगेगी, तभी उनको अधिकार मिल सकते हैं ना। इस पूरे दौर में एक अच्छी बात ये हुई कि गांव हरि सिंहपुरा ने अपने सच को पहचान दिया। मालती बोली, रास्ते के साथ ही झाड़ियों में कपड़े फंस कर पट जाते हैं। धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। गांव अब मानने लगा है कि निरक्षरता एक अभिशाप है। सतत शिक्षा की कक्षाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित होने लगी है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बीमार ही पड़ जाऊँ। भैया को तो हमेशा दूध मिलता है, मुझे सिर्फ बीमार पड़ने पर। छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के जरिए पहुँचे बाल संवादों ने संवेदना जगा दी। क्या होता है? सचमुच हमें कोई प्यार नहीं करता। हाँ, हमें कोई प्यार नहीं करता। विश्वास जमने लगा है कि इनकी लड़कियां भी एक दिन आसमान छू सकती हैं। पहले तो कुछ था ही नहीं कि भाई लड़कियों को पैर की जूती समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कब कामयाब भी हुई हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हैं। जो औरतें हैं, साक्षरता से ये असर हुआ है हमारे गांव में, मतलब औरतें हैं जो वो कुछ बातें समझने लग गई अब। हाँ, ये गलत है, ये ठीक है। पढ़ाई के बारे में भी, और वैसे भी पहले तो बिल्कुल भी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, वो अब तो कुछ थोड़ा बहुत निकलने भी दे देते हैं लड़कियों को बाहर। बदलाव तो आया है, लेकिन वो जैसे कि भेदभाव, ये तो सारे समाज में फैली हुई है। इसको तो कम तो हुआ है फिर, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल ही समाप्त हो गया। हरि सिंहपुरा में उम्मीदों के बीज बो उठे, पर इनकी कोशिश अभी थमी नहीं है, प्रयास जारी है। अभी हमें नशा मुक्ति केंद्र से के साथ जोड़ा गया था और कहा गया था कि भाई सर्वे करना और बताना कि भाई, उन्हें समझाना कि भाई वो सिगरेट, बीड़ी, दारू ये ना पिए। गए हम, बहुत से थे लोग जिन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, इनसे जो हानियाँ होती है वो उन्होंने मान ली। कुछ लोग हैं जो सुधरना चाहते हैं और वो सुधर भी गए हैं। गांव हरि सिंहपुरा में आते परिवर्तन और उभरते घटना चक्र इस बात का प्रमाण है कि छोटी छोटी सीख, छोटे छोटे संवाद एक दिन किसी की भी दुनिया बदल सकते हैं। इस व्यवस्था में कोई बेमतलब नहीं, जरूरत है तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अंजाम देने की। मेरे लिए तो सबसे आदर्श मेरे सर ही हैं, सुखबीर सर, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं तो उनको ही मानती हूँ। मेरे माँ बाप तो यही समझते हैं कि हमारा तो यही लड़का है। वो मैं खुद बताती हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई है जो मेरे, मैं तो यही समझती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया मम्मी पापा किसी को नहीं मिले जैसे मेरे को मिले हैं। और मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ कि जब भी मैं कहीं पैदा हूँ तो इनके घर पैदा हूँ। मैं अभी तक तो बहुत पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा कहते हैं जितना तुम्हारा पढ़ने का मन करता है उतना पढ़ो, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, उसके बाद जो तुम कहोगे वही करेंगे। एम तो आईएएस ऑफिसर बनने का है। आज इनके आदर्श ऊंचे हैं, विचार भी और लक्ष्य भी। आज ये भीड़ से अलग है और कल भी ये होंगी भीड़ से 10 कदम आगे। ये उम्मीद भी है और हरि सिंहपुरा का सपना भी, किंतु ये मानती है कि शिक्षा से बड़ा अनमोल रत्न कोई नहीं। सही शिक्षा हो तो हासिल हो सकता है हर मुकाम। शिक्षा का हम बहुत ही ज्यादा हाथ मानते हैं, क्योंकि जो हम शिक्षा, जो अनपढ़ होते हैं तो हम इस काम को कर ही नहीं सकते थे।
अगर सभी पढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञान मिलेगा, पढ़ाई ना हो तो अच्छाई बुराई का भी नहीं पता चलेगा, अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है पढ़ाई से। सिर्फ एडमिशन एडमिशन करवाने वाली बात है, उसमें तो कोई खर्चा नहीं आता, कम से कम 5 तो पढ़ाओ, आगे वो खुद ये बात है नहीं मदद मिलती है कहीं से, सरपंच से कहो कि भाई हमारे पास इतनी मदद नहीं है, तो डीसी के पास जाओ, ये कहो कि हाँ मतलब वो तो वो भी कुछ सहायता करेंगे, या खान तुम नहीं पढ़ा सकते, और पढ़ाने की इच्छा है लड़की की भी, पढ़ने की इच्छा और माँ बाप की भी है, तो कहीं से तो कुछ मदद मिलेगी, कहीं से भी जाके कहीं तक जाओ कुछ तो मदद मिलेगी। ये तो है नहीं कि संसार में कोई तो होगा ऐसा जो उनकी मदद करेगा। शिक्षा को लेकर ऐसी ललक, ऐसा संकल्प, ऐसा भरोसा सचमुच बड़ा है, महान। जरूरत है तो बस इसे भारत की हर लड़की में नुमाया करने की, फिर अपने आप बदल जाएगी दुनिया भारत की। मिट जाएगा स्वतः ही भेद बेटे और बेटी में, मिल जाएंगे जवाब नारी सवालों के, तब हर गांव बनेगा हरिसिंहपुरा, बड़े परिवर्तन का गांव, और लड़कियां बनेंगी स्वयं सिद्धा, जैसे नीलम, सुनीता, सरिता, सुषमा और स्वाति। सचमुच कितना अच्छा होगा वो दिन।